हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार और स्वागत है एक और नई रात में, नए गोश्त चैलेंज में। बोलते हैं कि आपको मतलब किसी भी बात का डर होना तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, और हमें किस बात का डर है पता है? गोश्त का। तो बस उसी को बाहर निकालने के लिए आज हम फिर से एक चैलेंज पर आ गए हैं, और आज हमारी कोई टीम नहीं आई है, बस मैं हूँ, शक्ति है और रंजीत भाई कैमरे पर है। तीन जने हैं और जा रहे एक कुएं पर, और उस कुएं की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही चलते बता देता हूँ। हेलो, रोज चलते हो फ्रेंड? जहाँ हम आए ना, ये मतलब खेती वाला इलाका है, यहाँ पर खेती की जाती है। खेती वाला इलाका आप सब देख सकते हैं, मतलब तारबंदी है, सारे खेत है जो भी है। गुड जोक, इंस्टा वाला ही डायलॉग मार रहा है कमीना। पुराना वाला ही सामने देख के चल गिर जाए। फ्रेंड, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ उस कुएं की। दरअसल बात क्या है कि जब ये कुआं बन रहा था ना, तब बरसात के टाइम बन रहा था, तो इसमें काम करने वाले कारीगर है ना, उसी में से किसी एक की मौत हो गई थी। मतलब हुआ क्या था कि बरसात के कारण जो कुआं बन रहा था ना आधा अधूरा, वो ढह गया नीचे, और उस मलबे में उस पत्थर के नीचे वो आदमी दब गया, और वहीं पर उसकी सांस अटक गई और वहीं पर मर गया वो। तो आने से पहले बताना चाहिए था ये, तो यार हमको बता दिया करो, हमसे आता ही नहीं कमीना अगर बता देता तो। तो बस आज हम वहीं जा रहे हैं और देखेंगे कि वो आत्मा अभी भी वहां पर है या नहीं है। चलो चलते हैं, रुकते नहीं है। आ जाओ रंजीत भाई। भाई डर नाम की चीज होती तो है ना यार, लोग अगर बोले कि मैं मेरे को डर नहीं लगता तो वो झूठ बोलते हैं यार। सर झूठ बोलते हैं वो तो, क्योंकि डर यार होता है यार, किसी ना किसी चीज का डर तो होता है। ठीक है, झूला बच्चों को ऐसा नहीं, कोई किसी ने वो क्या बोलते हो उसे, ये फांसी वाला नहीं, इतना नहीं होगा यार, वाला नहीं क्या? नहीं जबरदस्ती में पता नहीं, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब अजीब से ऐसे गांव में आ गए, सुनसान कोई नहीं है, वैसे खेती वाला इलाका है, कुछ है भी नहीं यार। तो चलो ज्यादा दूर नहीं है, कुआ आने वाला है बस। संजीव भाई संभाल के आइए तू, है ना। आज मेरे को डर थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारी टीम नहीं है, केवल हम तीन जने ही है। कोई तारबंदी है इधर? हाँ, उधर से निकल जाएगी शायद। ओए रात को बेर के पेड़ के नीचे से नहीं जाते? इधर आ, इधर आ, नहीं नहीं इधर इधर आ जा सकती, सच में इधर आ जा, इधर आ, उधर से चलते हैं। इसको इधर से निकल जाएंगे ना, तो आ तो सही होगा रास्ता, इधर आ जा। बंदे उधर उधर रास्ता तंग दे, नहीं इधर होगा, और अरे उधर रास्ता आ जा, मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम अभी यही चक्कर काट रहे हैं क्योंकि खेतों में तारबंदी हो रखी है, तो रास्ते नहीं मिल रहे रात को। ये गया, थोड़ी थोड़ी है, मारेंगे खेतों वाले अगर देख लिया तो। किसका है ये? मेरे को क्या पता। मेरे को भी इसी छलांग मारनी पड़ेगी, मैं आराम से आया तो। वो बैंक मेरे को देखी डर लगता है,
ले आ इधर आ रहा हूँ मैं, इधर इधर ले आ जा, ले आ गया मैं, तुम मैं तो आराम से जाऊंगा। आ जा तो फील्ड के बारे में जान दो, क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है क्षेत्र, फील्ड क्या होता है, मतलब क्षेत्र खेत को बोलते हैं, कौन सा भी क्षेत्र हो सकता है। हाँ तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ से शुरू हो गया फील्ड, हाँ भूत का द एरिया ऑफ गॉस्ट, हाँ यहाँ से शुरू हो गया, तो बस आप हिम्मत बांध लो। लकड़ी है, लकड़ी भूत को लकड़ी से मारेगा, नहीं बेच रहा हूँ मैं, लकड़ी है और तार बंदी आ गई और आगे से निकल रही आ गई, मेबी नॉट नॉट, ओ फंस गए, मैंने बोला था मार निकल जाएंगे, देख जाओ खुली हुई है, आ जाओ यहाँ पर खुली हुई है खेत, थोड़ा सा रास्ता है, ये चल रहा है तभी देर साथ होने फिर वो डराते हैं बैठ के। मैं ऊपर घोष चैलेंज करता तो फिर आवाज इसकी आती है, किसी की नहीं, सारा कुत्ता मेरे को डरा रहा है। ध्यान से सुन, चुप, एक मिनट देख, नहीं आ रही, अंजी तो आ रही, आ तो रही है हल्की हल्की, इतनी स्पष्ट आवाज आ रही थी वो सुना नहीं दे रही, लग तो रहा है लेकिन ठीक है, डर को कंट्रोल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं तो रेलवे बता रहा हूँ, आ रही है आवाज बस, मेरे को पता नहीं है, चलो देखते हैं आगे, चलना फ्रेंड्स, ये रहा सामने कुआ, तो आगे चल, हिम्मत नहीं हो रही मेरे तो भाई, चल पक्षी को आज नहीं आ रही उसकी, तो पेड़ पूछ रहा हूँ, पक्षी तो वैसे रात, तो पेड़ पेड़ क्या करेगा, रात करें पक्षी बोलते नहीं है, बोलते पागल आदमी, खेजड़ी का क्या पहले बता, हाँ ये खेजड़ी है, राज्य वृक्ष बता, राज्य वृक्ष, चुप हो जा, या तो गांड फटी पड़ी है, पता नहीं क्या कर रहा है, आ जा कुएं के अंदर आवाज आ रही है, चलो फ्रेंड्स यही कुआ है वो जहां पर हादसा हुआ था, हम इसके पास है और अंदर कबूतर आपको है। दिखाएंगे, रंजीत भाई आना, ये तो उसके बाद सारा सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने सिस्टम, वो जो हादसा हुआ ना उसके बाद पूरा बनवाया था, लेकिन पानी नहीं हुआ फिर ये सारा हो गया गड़बड़, सांप का ध्यान रखना, सांप अपना ध्यान रखेगा। फ्रेंड्स ये कुएं का मुंह है, मतलब मुंह क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका मेन पार्ट है, टाइम तो घोर चैलेंज कब होते हैं पता हुआ ना तेरे को, साढ़े 11 बजे निकले थे,
फ्रेंड्स तो भाई बहुत छापी जगह ही है, खेती भी नहीं होती यहाँ पर, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा वो है भाई, ये बहुत ज्यादा भगवान करे में कुछ हो ना, इसमें चलें चल लिया तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी तार बंदी, कुछ भी कोई बंदी नहीं, वो भी पेड़ दिखाई जी एक बार नहीं पेड़ ये वायरिंग है खेतों के, वायरिंग तारबंदी है। बहुत अजीब तरीके से पेड़ है यार अपन, देखो। अरे भाई जगह छापी तो ये कैंसरी कितनी भयंकर है, पेड़ पेड़ दिखे अभी कहीं पेड़ ही नहीं मिल गया, वो तो नहीं मिला अभी तो, डर ही है बस। वैसे मैं बता दूँ तेरे को या अपने दर्शकों को जो भी है बता दूँ कि मतलब आसपास के जो खेत वाले हैं ना वो रात को यहाँ सोते ही नहीं, मतलब कितना भी उनका जो जानवर हो उनकी कितनी भी खेती बिगाड़ ले वो नहीं सोते, क्योंकि यहाँ कई सारे हादसे हो रखे हैं। एक बार रात को एक दादाजी है वो सो रहे थे, मतलब उनके जो पेड़ थे ना वो इस डायरेक्शन में थे, मतलब ऐसे सो रहे थे, पैर आगे ऐसे थे, सिर इस साइड था। सुबह उठे ना वो तो उनका जो मचान था ना वो ऐसे पलट गया, मतलब फिर सुबह उठे ना पैर इस साइड थे और सर पीछे की तरफ था, वो नींद में हो गया करे पागल। अरे पूरा क्या नींद में हो गया भाई पूरा, और रात को ऐसे मतलब हड्डियां चबाने की आवाज वगैरह सारा, मतलब बंदा रात को 2 बजे भागा यहां से सूरी, 2 बजे तक रुकते हैं फिर, नहीं 2 बजे तक नहीं रुकता, अपना अपना काम करके चलते हैं, गोश्त को मिलने तो फिर चलेंगे। ओ गोश्त के माता जी बता दिया ना, बस जरूरी थोड़ी गोश्त का मिलना, मरना थोड़ी ये वीडियो के चक्कर में। चलो ठीक, शक्ति सर सारा कुआ छान मार लिया, कहीं कोई कुछ नहीं देख लिया, और क्या करना है फिर, चले धीरे 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 चुप चुप जल्दी चल, धीरे धीरे चुप 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 बोलना नहीं, चुप पगल वो देख ना वो नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे सोचा 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 जमीन पर दिखो मंदिर, वो दो पत्थर पर कौन बैठा है, वो दो पत्थर पर कौन बैठा, ले भाई तो भाई ना चुपचाप निकल जाओ, अब हो गया अपना काम, देखो कुछ हुआ नहीं वो अच्छी बात है, चुपचाप इधर से निकल जाओ, वहाँ से आ जाएंगे घूम कर आ जाएंगे रास्ता, मतलब इधर से आ जाएंगे।